अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं। तो दोस्तों, अगर बात की जाए पिछले 4-5 साल की स्मार्टफोन मार्केट की, तो मेरे ख्याल से पिछले 5 सालों में काफ़ी ज़्यादा स्मार्टफोन मार्केट जो है वो चेंज हो गई है। अगर बात करें 5 साल पहले की, तो हमें दो तरह की कैटेगरीज के स्मार्टफोन देखने को मिलते थे, एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन, एक नॉन फ्लैगशिप स्मार्टफोन। लेकिन अब जो है वो इतनी ज़्यादा कैटेगरीज आ गई हैं कि हमें जो है वो डिसाइड करना मुश्किल हो गया कि कौन से कैटेगरी के अंदर हमें जो है वो कौन सा स्मार्टफोन देखने को मिल रहा है। अगर सैमसंग की बात कर ली जाए, तो 15-16 हज़ार से लेके हमें 3 लाख तक के जो है वो स्मार्टफोन देखने को मिलते हैं। हर बजट कैटेगरी के अंदर हमें जो है वो सैमसंग का स्मार्टफोन जो है वो देखने को मिल जाता है। आजकल एक नया ट्रेंड चला है, फ्लैगशिप किलर स्मार्टफोन जो है वो निकालने की कोशिश की जा रही है स्मार्टफोन कंपनीज की तरफ से। जब से ये वन प्लस का ट्रेंड आया है ना, वन प्लस ने हर तरफ धूम मचाई हुई है। वन प्लस को कैटर करने के लिए जो है वो हर स्मार्टफोन कंपनी अपना एक ऐसा स्मार्टफोन लॉन्च करती है मार्केट के अंदर, जो कि एक फ्लैगशिप किलर स्मार्टफोन होता है, जिसके अंदर हमें जो है वो फ्लैगशिप जैसी स्पेसिफिकेशन देखने को मिलती है, लेकिन वो स्मार्टफोन जो है वो फ्लैगशिप नहीं होता। यानी कुछ जो है यहां पर हमें कमी देखने को मिल जाती है, जो कि हमें फ्लैगशिप के अंदर देखने को नहीं मिलती। तो शाओमी भी कुछ इसी तरह के स्मार्टफोन जो है हमें लॉन्च करता हुआ नजर आया है। इस साल के शुरू में हमें जो है वो शाओमी की तरफ से शाओमी मी 10 सीरीज देखने को मिली थी, जो कि शाओमी की फ्लैगशिप सीरीज थी, लेकिन अब हमें जो है वो फ्लैगशिप किलर सीरीज देखने को मिल रही है, यानी कि शाओमी मी 10T सीरीज देखने को मिल रही है। बात करें तो सबसे इसका जो हायर वेरिएंट है इस टी सीरीज का, उसमें हमें जो है वो प्रो वेरिएंट देखने को मिलता है, फिर सिंपल टी वेरिएंट है, और फिर हमें जो है वो एक लाइट वेरिएंट देखने को मिलता है। तो इस वीडियो के अंदर हम जो है बात करने वाले हैं प्रो वेरिएंट के ऊपर, कि वो किस तरह का जो है वो डिवाइस है, क्या कुछ हमें जो है वो हमें उसके अंदर देखने को मिलेगा, किस तरह की स्पेसिफिकेशन होगी, क्या वो फ्लैगशिप लेवल की डिवाइस है या फिर हमें जो है वो फ्लैगशिप किलर लेवल की डिवाइस देखने को मिलेगी। तो सब कुछ कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर तो आप चैनल के ऊपर नए हैं, तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए, क्योंकि यहां पर आपको जो है वो काफी जबरदस्त किस्म की टेक से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलती रहती हैं। तो दोस्तों, अगर बात की जाए शाओमी की, तो शाओमी ने रिसेंटली 3 वेरिएंट जो है वो लॉन्च किए हैं अपने टी सीरीज के अंदर, जिसका जो सबसे हायर वेरिएंट है उसका प्रो मॉडल जो है वो काफी जबरदस्त किस्म का एक स्मार्टफोन निकल के आता है। यहां पर हमें जो है वो फ्लैगशिप लेवल की जो है वो उसके अंदर स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाती है। डिजाइन की बात करें तो यार टोटली एक फ्लैगशिप किस्म का डिजाइन हमें यहां पर देखने को मिलेगा। बैक के ऊपर जो है वो काफी जबरदस्त किस्म का हमें जो है वो ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा, जो कि काफी जबरदस्त किस्म की हमें लुक प्रोवाइड करता है। फ्रंट के ऊपर हमें जो है वो डॉट डिस्प्ले के साथ इसका जो है वो काफी जबरदस्त किस्म का डिस्प्ले देखने को मिलेगा। 6.67 इंचेस का डिस्प्ले जो है वो हमें प्रोवाइड किया गया है शाओमी की तरफ से। उसके अलावा यार डिजाइन के मामले में मेरा नहीं ख्याल कहीं से भी कोई कसर छोड़ी गई है। काफी जबरदस्त किस्म का प्रीमियम लेवल का हमें फ्लैगशिप लेवल का यहां पर जो है वो डिजाइन प्रोवाइड किया गया। यूएसबी टाइप सी की स्पोर्ट देखने को मिल जाएगी। साइड माउंटेड इसके अंदर हमें जो है वो फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा। अब साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर यहां पर हमें क्यों देखने को मिल रहा है? क्योंकि ये जो डिवाइस है वो फ्लैगशिप डिवाइस नहीं है, फ्लैगशिप किलर डिवाइस है। तो यहां पर हमें जो है वो कुछ कंप्रोमाइजेस देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले तो कंप्रोमाइज जो हमें देखने को मिलेगा वो डिस्प्ले के अंदर देखने को मिलेगा। यहां पर हमें जो है वो एमोलेड डिस्प्ले देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन यहां पर हमें जो है वो काफी ज्यादा ऐसी चीजें देखने को मिल रही है, जो कि किसी भी एक फ्लैगशिप लेवल की डिवाइस के अंदर होती हैं। तो यहां पर हमें 2 चीजें मिसिंग हैं किसी भी फ्लैगशिप लेवल की डिवाइस से अगर कंपेयर किया जाए। तो यहां पर हमें जो है वो एमोलेड सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को नहीं मिल रहा, और दूसरा यहां पर हमें जो है वो QHD डिस्प्ले देखने को नहीं मिल रहा। फुल HD प्लस की यहां पर हमें रेजोल्यूशन देखने को मिलेगी, लेकिन उसके अलावा यहां पर हमें जो है वो जो स्पेसिफिकेशन डिस्प्ले के हवाले से देखने को मिल रहे हैं, HDR10 की सपोर्ट देखने को मिलेगी। यहां पर हमें 144Hz का जो है वो रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा, जो कि खुद ब खुद अपनी जो है वो रिफ्रेश रेट को चेंज करेगा। काफी जबरदस्त किस्म की चीज निकल के आती है, यानी कि जिस तरह का आप जो है वो स्मार्टफोन जिस तरह से यूज कर रहे हैं, अगर गेमिंग कर रहे हैं तो रिफ्रेश रेट ऑटोमेटिकली ऊपर चले जाएंगे, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो रिफ्रेश रेट नीचे आ जाएंगे, जो कि आपकी बैटरी को भी काफी ज्यादा सेव करने वाले हैं। तो काफी जबरदस्त किस्म का यहां पर हमें जो है वो डिस्प्ले देखने को मिलेगा। यहां पर हमें गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाएगी फ्रंट के ऊपर। तो डिस्प्ले जो है वो मेरे ख्याल से खाली एमोलेड निकाल दिया जाए और यहां पर हमें जो है वो QHD डिस्प्ले जो है वो प्रोवाइड नहीं किया जा रहा, अदरवाइज यहां पर जो है वो फ्लैगशिप लेवल की हमें स्पेसिफिकेशन देखने को मिल रही है डिस्प्ले के मामले में। और अगर बात की जाए बैटरी के हवाले से, तो यहां पर भी हमें जो है वो थोड़ा सा कंप्रोमाइज देखने को मिलेगा फास्ट चार्जिंग के हवाले से देखा जाए, क्योंकि अब जितने भी स्मार्टफोन आ रहे हैं जो कि फ्लैगशिप लेवल के स्मार्टफोन है, वहां पर हमें जो है वो एटलीस्ट 64W की जो है वो फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट देखने को मिल रही है, लेकिन इस डिवाइस के अंदर हमें 33W की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलेगी, और साथ ही साथ 5000mAh की इसके अंदर बैटरी देखने को मिल जाएगी। तो ज्यादातर लोगों को मेरे ख्याल से फर्क नहीं पड़ने वाला कि 33W की फास्ट चार्जिंग है या फिर 64W की फास्ट चार्जिंग है। यहां पर हमें जो है वो अच्छी खासी बैटरी बैकअप जो है वो स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिल जाएगा, तो बहुत सारे लोग जो है वो इस चीज को बिल्कुल भी बोदर नहीं करने वाले। तो यहां पर जो है हमें थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइजेस जो है वो देखने को मिल रहे हैं बैटरी के मामले में भी। इसके अलावा अगर यार इस स्मार्टफोन के कैमराज की बात कर ली जाए, तो यहां पर जो है वो कोई कॉम्प्रोमाइज हमें देखने को नहीं मिल रहेगा। टोटली फ्लैगशिप लेवल के यहां
पर हमें जो है वो कैमराज देखने को मिल जाएंगे। बैक के ऊपर ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। 108 मेगापिक्सल का यहाँ पर हमें जो है वो प्राइमरी लेंस देखने को मिलेगा जो कि f1.7 के अपर्चर के साथ आएगा, यानी कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की फ्लैगशिप लेवल की एक्सपीरियंस हमें देखने को मिलेगा कैमरा के मामले में। इसके अलावा जो सेकेंडरी कैमरा है 13 मेगापिक्सल का हमें देखने को मिलेगा अल्ट्रा वाइड सेंसर, जबकि 5 मेगापिक्सल का यहाँ पर हमें जो है वो मैक्रो कैमरा देखने को मिलेगा, यानी कि कैमरा की जो क्वालिटी आने वाली है बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की आने वाली है। बैक के ऊपर हमें जो है वो काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल रहा है। फ्रंट की बात की जाए तो फ्रंट के ऊपर हमें जो है वो 20 मेगापिक्सल का डॉट डिस्प्ले के साथ इसका सेल्फी शूटर देखने को मिल जाएगा, जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की आपको जो है वो सेल्फीज़ वगैरह क्लिक करके दे देगा। तो मेरे ख्याल से कैमरा के अंदर हमें कोई भी कंप्रोमाइज़ देखने को नहीं मिल रहा, तो यहाँ पर हमें जो है वो टोटली फ्लैगशिप लेवल का एक्सपीरियंस देखने को मिलने वाला है कैमरा के मामले में। एक और कैटेगरी जिसके अंदर ये स्मार्टफोन जो है वो टोटली फ्लैगशिप लेवल की हमें जो है वो एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने वाला है वो है इसकी परफॉर्मेंस की कैटेगरी। यहाँ पर हमें जो है वो स्नैपड्रैगन का 665 का चिपसेट देखने को मिलेगा, एंड्रीनो का 650 का हमें जो है वो इसके अंदर जीपीयू देखने को मिल जाएगा। रैम की बात करें तो LPDDR हमें 5 की रैम देखने को मिलेगी। इसके अलावा स्टोरेज की बात करें तो हमें जो है वो UFS 3.1 की स्टोरेज देखने को मिलेगी। तो काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की यहाँ पर हमें जो है वो परफॉर्मेंस के मामले में भी स्पेसिफिकेशन देखने को मिल रही हैं, तो काफ़ी अच्छी यहाँ पर हमें जो है वो फ्लैगशिप लेवल की जो है यहाँ पर इसके अंदर हमें परफॉर्मेंस जो है वो देखने को मिल जाएगी। तो मेरे ख्याल से कैमरा के डिपार्टमेंट में और परफॉर्मेंस के डिपार्टमेंट में कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया गया, तो यहाँ पर हमें यह स्मार्टफोन जो है वो इन दोनों कैटेगरी के अंदर फ्लैगशिप लेवल का जो है वो एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने वाला है। तो दोस्तों अगर बात की जाए Mi 10T Pro की तो मेरे ख्याल से एक सॉलिड किस्म की ऑप्शन निकल के आती है। अगर इसकी प्राइस की हवाले से बात की जाए तो इसकी प्राइस जो है वो मेरे ख्याल से टक्कर देती हुई नजर आएगी सैमसंग गैलेक्सी S20 FE को, यानी फैन एडिशन को हमें जो है वो टक्कर देती हुई नजर आएगी। मेरे ख्याल से ये स्मार्टफोन जो है वो पाकिस्तानी मार्केट के अंदर अगर लॉन्च होता है तो अंडर 1 लाख के जो है ये स्मार्टफोन लॉन्च किया जाएगा, और 90,000 या 80,000 के अंदर जो है ये स्मार्टफोन पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च किया जाएगा। लेकिन अगर यूरोस के अंदर देखा जाए तो ये स्मार्टफोन जो है वो तकरीबन 1,20,000 के आसपास जो है वो पाकिस्तानी मार्केट को टच करता हुआ नजर आता है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल Xiaomi इसको जो है वो 1,20,000 के आसपास जो है वो लॉन्च करेगा पाकिस्तानी मार्केट के अंदर। ये स्मार्टफोन जो है वो मेरे ख्याल से जो मुझे लग रहा है कि अंडर 1 लाख जो है वो पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च करेगा। देखते हैं ये स्मार्टफोन कब तक जो है वो पाकिस्तानी मार्केट की जीनत बनता है और कब तक जो है हमें पाकिस्तानी मार्केट्स के अंदर देखने को मिल जाएगा। काफ़ी एक्साइटिंग किस्म की ये टी सीरीज हमें देखने को मिल रही है। लाइट वेरियंट भी काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का निकल के आता है 55,000 के अंदर, वो एक बहुत ही सॉलिड किस्म की ऑप्शन है। मी नोट 10 लाइट को बहुत ही कड़ी टक्कर देने वाला है। साथ ही साथ जो ये प्रो मॉडल है ये हमें जो है वो काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की जो है वो एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगा, बहुत सारे जो है वो बड़े ब्रांड्स को टक्कर देता हुआ नजर आएगा। आप लोगों का क्या ख्याल है इस टी सीरीज के बारे में मुझे कमेंट्स बॉक्स के अंदर ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर तो आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। दिस इज सैफराना साइनिंग आउट। अल्लाह हाफिज़।